उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आगामी चार धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। SSP हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके मद्देनजर उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले नौसन बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों की चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया, जिससे कि तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि दूर दराज से तीर्थयात्री आते हैं और उन्हें चार धाम यात्रा के लिए बहुत दूर जाना होता है, इसलिए चेकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों को बॉर्डर पर परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसको लेकर बहुत अधिक चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों की पार्किंग व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शासन स्तर पर, जिले स्तर पर सभी जगह की गई हैं और हरिद्वार एक एंट्री पॉइंट है चार धाम यात्रा का। और बेसिकली जो भी यहां चार धाम में जाता है, एक दिन जरूर स्टे हरिद्वार करता है, माँ गंगा का स्नान करता है, गंगा आरती देखता है, लोकल मंदिरों का भ्रमण करके तब आगे यात्रा पे जाता है। तो हरिद्वार इस मामले में थोड़ा लकी है, सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जितने भी यात्री आएँ उनके रहने का पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है और हमारा पुलिस प्रशासन सभी लोग हर इतने बड़े बड़े स्नान पर्वों को, मैं तो ये कहूँगा हरिद्वार में तो हर वीकेंड पर एक मेले जैसा माहौल रहता है, 40-50 लाख लोग हमेशा आते हैं। वी आर फुली ट्यून्ड, हमको पता है किस तरह से। चारधाम यात्रा 22 से शुरू हुई, लेकिन तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई है। खासकर जो हमें तीर्थयात्री आते हैं रुककर यहाँ हरिद्वार में फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसको देखते हुए उनकी पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे उनके रुकने की व्यवस्थाएँ हो, और उसको देखते हुए यातायात व्यवस्था का भी प्रबंध ठीक किया गया। वन वे चीला मार्ग से लौटने वाले तीर्थयात्री जो चारधाम के लौटेंगे उनको चीला मार्ग से किया गया है। रात्रि में 10 से 4 का जो हैवी ट्रैफिक उसको भी बंद करने की योजना है, जिससे कि तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत ना आए। और बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा चेकिंग का प्रावधान हटाया गया, जिससे कि तीर्थयात्रियों को लंबी लाइनें ना लगे, समय ना लगे। तो सभी चीज़ों की तैयारियां हो गई चारधाम यात्रा के लिए।